गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के परांठे। उसके लिए मैंने ये गोभी चॉपर में से निकाल लिए है और ये प्याज निकाल लिए हैं, और साथ ही मैंने डाल दी थी इसमें 4 हरी मिर्च, और इसमें लहसुन है और प्याज है। तो अब मैं इसे पहले थोड़ी छोक लेती हूँ और बाद में इसके पराठे बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा बहुत ही बढ़िया धुएँदार गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जीरा डाल दूँगी और ये हींग है, हींग डाल दूँगी, हींग और जीरे का तड़का लगाऊँगी और प्याज डाल दूँगी। प्याज हमारे हल्के से भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लूँगी। हल्दी डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दूंगी और नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार। हमारा मसाला भी भून चुका है। अब मैं इसके अंदर गोभी डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मन हो तो डालो वरना छोड़ भी सकते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। गोभी बहुत जल्दी पक जाती है तो ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट इसे ढककर पका लेंगे। बीच में एक बार चला कर देखेंगे। हमारी गोभी पक चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और इसे हम ठंडा कर लेंगे, दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे। ये देखिए, ये ठंडे होने के लिए मैंने दूसरे बर्तन में रेता दी है। अब मैं इसके पराठे बना लूंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तब। तो ये गोभी मैंने पराठे के अंदर भर के पराठा डाल दिया तवे के ऊपर। और ये मैंने देसी घी में बनाए हैं, आप भी ट्राई करके जरूर देखना।